नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हकीमुद्दीन है और ग्राम पड़ता तहसील मनासा जिला नीमच का रहने वाला और एसली पी एस वेलनेस का डिस्ट्रीब्यूटर। आपको एक बढ़िया रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ सर। तो आपका नाम क्या है सर? किशन लाल खाती। किशन लाल जी खाती। पिताजी का नाम क्या है सर? अमरा जी। अमरा जी, अच्छा सर, तो आपको क्या तकलीफ थी सर? मेरे सीने में दर्द होता था। आपके सीने में दर्द होता था? अच्छा, तो आपके सीने में दर्द होता था सर, आपने कहाँ कहाँ बताया सर? मनासा में डॉक्टर साहब को बताया। मनासा में बताया सर? नीमच बताया। नीमच में आप बताया सर? तो इन दोनों जगह आपने बताया, तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिला? नहीं मिला सर। यहाँ रिजल्ट नहीं मिला, तो इसके बाद आप कहाँ गए सर? सर उदयपुर गया। उदयपुर गए सर? उदयपुर भी जांच करवाई। हाँ जी सर। हाँ, डॉक्टर ने महीने का कोर्स लिखा, उससे भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, वहाँ भी एक महीने का अगर आपको कोर्स लिखा तो उससे भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला सर? तो सर अभी आप अभी क्या ले रहे हैं सर? सर मेरे को पता लगा कि गाँव में गोरा जी है हकीम भाई, वो एक देसी दवाई देते हैं आयुर्वेदिक। तो फिर मैं पूछता पूछता उनके घर पर गया और फिर उनसे दवाई ली मैंने। मैंने करीबन एक महीने तक उस दवाई को ली तो मेरे को रिलीफ मालूम पड़ा। ये थे एक महीने से ली आपको रिलीफ पड़ा? हाँ। फिर वो दवाई पूरी होने के बाद वो दो बाटल दी थी उनने, तो वो पूरी होने के बाद फिर शंका थी मेरे को, तो फिर मैं उदयपुर गया चेक करवाने डॉक्टर से। उदयपुर गया हुआ है चेक करवाने? चेक करवाने। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप भाई साहब आपको कितनी उम्र है आपकी? उनके साहब 65 साल की। कि आपको कोई तकलीफ नहीं, मैं बिगर जांच के दवाई गोली लिखवा नहीं। फिर मैंने जांच करवाई, अस्पताल में जाके 3000 रुपये जमा करवाए। मैं फिर उस डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया कि आपको दवाई गोली लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर, तो आपको वहाँ से रिजल्ट ये मिला कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं है? हाँ जी। तो सर अभी आप कौन सी दवा ले रहे हैं सर? सर ये दवाई है, ये एक तो ये दवाई है। अच्छा, ये SBPS का एमिनोडॉक है ना? हाँ। ठीक है, अभी आप दूसरी दवा कौन सी ले रहे हैं? एक ये लेता हूं SBPS का कार्डियोडॉक सर। और वो क्या ले रहे हैं सर आप? एक तो ले रहा हूं, गैस बनती थी तो भाई साहब से मैंने लिया था, तो एक डेंटोडॉक सर। अच्छा, इन चीज़ों से आपको 100% आपको फर्क है और आप उदयपुर जाके आप इसको चेक करवा के आया है, आपको वहाँ भी बताएगा आपको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। तो सर अब आम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे विश्वास से ये कहना चाहता हूँ कि आदमी को यदि कोई तकलीफ है तो भाई साहब से मिल के वो दवाई ले सकते हैं, बेहिचक उनको भगवान आराम करेगा और बढ़िया रहेगा। अच्छा सर, तो देखा सर कितना प्यारा रिजल्ट है। और मैं SBPS वेलनेस के फाउंडर को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नमस्कार।